सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI Daily Job अपडेट पर गाइस स्वागत है। आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज ITI पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो ITI से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं ITI पास आउट छात्रों के लिए SVSU यानी कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से परमानेंट सरकारी भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें 2 ट्रोडों के लिए तो अलग अलग वैकेंसी हैं और एक कॉमन वैकेंसी है, जिसमें ITI की कोपा, मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, ऑटो मैकेनिक, वायरमैन आदि कई सारी ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट यहां पर निकल कर आई हुई हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, पद कम है, लेकिन नौकरी सरकारी है, अच्छी नौकरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ ITI पास आउट छात्रों के लिए 100% रियल जॉब अपडेट लेकर आता हूं, जो कि सरकारी भर्ती की अपडेट होती हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। जाओ जाकर उन्हें ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट, साथ ही जो प्राइवेट कैंपस प्लेसमेंट होते हैं उन सभी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से दिनांक 27/12/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी 8 धदोला पलवाल इज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी है ये, जो कि हरियाणा धदोला पलवाल में स्थित है। ये ऑफलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट जो हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की, जो कि रेगुलर बेसिस पर होने वाली हैं। ये एक परमानेंट सरकारी भर्ती आप लोगों की रहेंगी। इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं 28/12/2023 से लेकर के 18/1/2023 तक आप लोगों के चलने वाले हैं। आगे अगर हम देखें यहाँ पर जो पोस्टें निकल कर आई हुई हैं, सबसे पहले हम पोस्ट देखेंगे टेक्निकल पोस्ट जो कि MTS की हैं। इसमें टोटल 11 पोस्टें हैं, जिसमें ITI की कई सारी ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। साथ ही यहाँ पर कारपेंटर और प्लम्बर ट्रेड के लिए भी एक एक पोस्ट अलग से निकाली गई हैं। तो कारपेंटर और प्लम्बर ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। साथ ही जो टेक्निकल पोस्ट हैं इसकी 11 पोस्ट हैं, उसमें भी ये छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेड के छात्रों के लिए मैं बता दूंगा। इसके फॉर्म जो आप लोगों को फिल करने होंगे वो 28/12/2023 यानी कि आज से 18/1/2023 तक फॉर्म चलेंगे। ये फॉर्म फिल करने के बाद इसको सेंड करना होगा 18/1/2024 से पहले पहले, शाम को 5 बजे से पहले पहले, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेकंड फ्लोर एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच एडमिन ब्लॉक श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी विलेज दुधोला पलवाल हरियाणा में, जहां का पिन है 12/11/02, यहां पर इस फॉर्म को सेंड करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, जो भी इंडियन सिटीजन हैं यानी कि भारत का नागरिक हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन पर अगर हम बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ फॉर्म फीस के बारे में। फॉर्म फीस जो लगेगी ग्रुप सी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें मेल एंड फीमेल के लिए 1000 रुपये, फीमेल जो हरियाणा स्टेट से हैं उनके लिए 500 रुपये, और SC BC BC BEWS ESM इन सारे कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं उनके लिए 250 रुपये लगेगी ग्रुप सी में। और ग्रुप डी में यही पोस्ट हैं 600 रुपये मेल एंड फीमेल के लिए, फीमेल जो हरियाणा की उनके 300, SC ST BC BC EWS ESM के लिए 150 रुपये आप लोगों की फ़ीस लगने वाली हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बात होंगी वो सारी हम इस नोटिफिकेशन की डिस्कस कर लेते हैं। लेकर चलता हूँ आपको क्वालिफिकेशन पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ITI पास आउट छात्रों के लिए जो सभी ट्रेड के छात्रों के लिए पोस्ट हैं उस पर सीधा चल चलते हैं। जो टेक्निकल की पोस्ट है यहाँ पर MTS उसे बोला गया है, क्योंकि MTS का मतलब होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो कि कई सारे काम किसी भी डिपार्टमेंट में करता है, इसलिए वो MTS की पोस्ट हैं। आप उसको ऐसे मत समझिएगा कि वो ITI के लिए नहीं है। यहाँ पर जो MTS की पोस्ट हैं वो ग्रुप डी की पोस्ट हैं। पहले वाला आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा मिलने वाला है। एज लिमिट, अपर एज लिमिट यहाँ पर 42 साल यानी कि 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपने 12वीं पास की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के साथ आप लोगों ने वोकेशनल सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 10th के बाद जिन छात्रों ने ITI की हुई है उनको भी इन्होंने इसमें 12th के बराबर में ले लिया है। जैसे कि आप देखेंगे ये 12th की पोस्ट थी, इसमें क्लास 10th विद ITI होना चाहिए, कोपा ट्रेड से, मैकेनिक ट्रेड से, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, ऑटो मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, इसके साथ ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, जो आई
CTSM ट्रेड होती हैं उसके छात्र। इसके साथ हॉर्टिकल्चर, सोयल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो NSQS से होती हैं, इन सारी ट्रेड से अगर आप लोगों ने ITI पास आउट किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ट्रेड को देख लीजिएगा, कोपा हो गया, मैकेनिक हो गया, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ऑटो मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस जो ICTSM ट्रेड हैं, हॉर्टिकल्चर, सोयल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट MTS की पोस्ट में, ये सारी ट्रेड के ITI पास आउट छात्र एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो कारपेंटर के लिए और प्लम्बर के लिए वैकेंसी हैं, इसमें तो सिर्फ 10th प्लस ITI प्लम्बर वाले छात्र एलिजिबल रहेंगे। जो कारपेंटर की पोस्ट हैं, इसकी टोटल पोस्ट यहाँ पर एक ही है, इसमें 10th प्लस ITI आप लोगों का होना चाहिए, कारपेंटर ट्रेड से सर्टिफिकेट हो तो एलिजिबल रहेंगे। सेम यही क्वालिफिकेशन प्लम्बर ट्रेड के लिए भी रखी है, इसके लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें 10th प्लस ITI प्लम्बर ट्रेड से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ऑफलाइन फॉर्म है कम्प्लीटली, आप लोगों को उसको फिल करना होगा। टोटल 35 पेज का नोटिफिकेशन है, 35 पेजेस हैं, आप लोग एक एक चीज़ इसकी ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं, तो आप लोग इसमें रिजर्वेशन के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, सारा प्रूफ देना होगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वो जनरल में काउंट होंगे। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पर फोटो लगाना होगा, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों के लिए। एडमिशन नंबर आप इसके लिखेंगे जो नोटिफिकेशन पर लिखे हुए हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर वगैरह सब कुछ, अपने आधार कार्ड नंबर, परमानेंट एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, टेलीफोन नंबर, ये सारा फिल करने के बाद आपको इसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को जो एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों की लगेगी उसका बनवाना है, इसके साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, DD लगाना होगा, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाना है, वो सारे सर्टिफिकेट लगाने के बाद आप लोगों को इसको एक लिफाफे में बंद करने के बाद पोस्ट कर देना है। कहाँ पर भेजना है वो भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले भी मैंने इसका एड्रेस बताया है, आप लोगों को भेजना है, आज से इस फॉर्म को भेज सकते हैं और 18/1/2024 तक फॉर्म को भेज सकते हैं। अब जो रेड बॉक्स में जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको ध्यान से रीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेकेंड फ्लोर, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, एडमिन ब्लॉक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विलेज दूधा पलवाल, हरियाणा में आप लोगों को इसको भेजना है, जहाँ का पिन है 12/11/02। यहाँ पर 18/1/2024 से पहले पहले आप लोगों को 5:30 बजे से पहले इसको भेज देना है। ये थी जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि ITI पास आउट छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल की पोस्ट है, ठीक है, और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यहाँ पर जो पोस्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की है दोनों में आप लोगों को मौका मिल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी ITI पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो व्हाट्सअप चैनल भी हमारा है, उस पर जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।